जिंदगी के आनंद तो हम ले रहे हैं भैया, सही बता रहे हैं यार। सारी एक से एक महंगी महंगी बाइक्स खड़ी हुई हैं। ए यहाँ क्यों बैठे हो भाई? तो ये मैं राइड से आया नहीं हूँ, राइड पर जा रहा हूँ। दोबारा से सैडल बैग पैक हो गए हमारे, क्योंकि हम निकल रहे हैं एक और न्यू राइड पर। मतलब अभी ये नॉर्थ ईस्ट वाली राइड आके खत्म भी नहीं की थी, कुछ दिन भी नहीं रुके यहाँ दिल्ली में, और एक न्यू राइड स्टार्ट हो चुकी है। और हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा लद्दाख, और वो भी कर रहे हैं हम अपनी सुपर मीटियोर 650 से। मगर इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा, मैं बाइक का सारा सामान लेके जा रहा हूँ। मतलब कुछ एक चीजें मैंने परचेज की हैं, दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये जो चैन का लॉक होता है ना, ये मैंने परचेज किया है रॉयल का। ये मैंने ले लिया इस वजह से, बिकॉज इस लिंक की वजह से, सिर्फ एक लिंक की वजह से अगर चैन कहीं लूज हो गई ना, तो उसको कटवाना भी हो ना, तो कोई काट के राजी नहीं होता, बिकॉज उनके पास ये लॉक नहीं होता। तो ये लॉक ले लिया है, एक इस पॉकेट और ले लिया है, सैडल बैग के अंदर रखा हुआ है। तो ये सारी तैयारी हो गई है। और हमारे साथ राइड पर कौन कौन निकल रहा है इस बार? कुछ लोग नए हैं, पुराने लोगों में से सिर्फ नरेश है हमारे साथ। एक नरेश के दोस्त हैं प्रकाश, वो जा रहे हैं, और एक प्रकाश के दोस्त हैं वो जा रहे हैं, और एक हमारे सब्सक्राइबर हैं न्यू अमित, वो है मेरठ से, तो वो हमारे साथ जा रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के करीबन 6:05 बजे निकलने का प्रोग्राम था, मगर 6 बज चुके हैं, थोड़े से लेट हो गए। मैंने राइडिंग गियर्स वगैरह सब कुछ पहन लिए, तैयार हूं पूरी तरीके से। तो बस तैयारी पूरी हो गई है, बस निकलना है यहां से। अब ये लद्दाख राइड करेंगे यार, खूब मस्ती करेंगे, खूब मौज करेंगे। और इस बार अकेला नहीं जा रहा हूं, सब लोग साथ में जा रहे हैं, तो खूब सारी मस्ती करेंगे। बस जो काम बिगाड़ेगा ना, वो बिगाड़ेगा मौसम, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर 44 डिग्री टेम्परेचर है यहां दिल्ली का, बहुत ज्यादा गर्मी है, हद से ज्यादा गर्मी। इसलिए हम लोगों ने शाम को निकलने का प्रोग्राम बनाया, अदरवाइज हम लोग सुबह सुबह निकलते। बट अभी सब लोग वहां पहुंच गए, मेरा वेट कर रहे हैं। अमित जी हमें मिलेंगे सुखदेव के ढाबे पर, और नरेश और प्रकाश जो है वो BMW से हैं, मेरी वाली जो BMW है वही नरेश चला रहे हैं। तो वो लोग भी बाईपास खड़े हुए मेरा इंतजार कर रहे हैं। बस ये सारा सामान यहाँ से उठाना है और फटाफट निकलते हैं यहाँ से सीधा लद्दाख राइड पर। तो निकल गए यार, यहाँ से सीधा जा रहे हैं। आज का डेस्टिनेशन जो है वो है हमारा कश्मीर, मगर वहां पहुंचने से पहले ना थोड़ा सा भरवा लेते हैं पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल खाली है थोड़ा सा, क्या बिल्कुल ही खाली है। तो कश्मीर जा रहे हैं यहाँ से श्रीनगर। श्रीनगर है यहाँ से 800 किलोमीटर 15 घंटे 48 मिनट दिखा रहा है, और पहुंचने का टाइम दिखा रहा है सुबह 10:25 पर, अगर कंटिन्यू चलते हैं तो, जो कि पॉसिबल नहीं है, थोड़ा रुकते रुकाते पहुंचेंगे। ऑटो कट कर दीजिए। तो पेट्रोल हो गया फुल 11.68, 1106 रुपए का। टाइम हो रहा है 6:47 और अपनी बाइक टोटल चल चुकी है अभी तक 27,237 किलोमीटर, और सूर्य देवता ऑलमोस्ट ढल चुके हैं यहाँ पर। 7:45 भी देखो सूर्य देवता नजर आते हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट में शाम को 4 बजे सूर्य देवता गायब पूरी तरह से। मगर गर्मी यहाँ चरम सीमा वाली है भाई साहब। नरेश और प्रकाश पहुंच गए मुझसे पहले ही, हालांकि मैं तैयार होकर बैठा हुआ हूँ 5 बजे से, क्योंकि हमारा 5 बजे मीटअप था, यहाँ मिलना था हम लोगों को बाईपास पर। बट ये लोग हो गए थोड़ा सा लेट, पता नहीं कहाँ रहे कहाँ नहीं रहे। हमेशा बोलते हैं कि भैया आप लेट करते हो, मगर आज मैं 4 बजे से ऑलमोस्ट तैयार होना शुरू हो गया था, जबकि मेरे घर से बाईपास मुश्किल से मुश्किल 5-6 किलोमीटर होगा, ज्यादा नहीं, मगर इन लोगों ने ही लेट कर दिया। बाकी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं वहाँ सुखदेव ढाबे पे। और इस राइड का प्लान तो ऐसे ही बन गया यार, मतलब पता ही नहीं था, ये तो कन्फर्म था हम लोगों को कि राइड पे निकलना है, लद्दाख जाएंगे इस साल भी। और सौरभ भी हमारे साथ जाने वाले थे, अगर सौरभ को आप लोग नहीं जानते हो तो सौरभ जो हमारे साथ नरेश और मैं और सौरभ गए थे नेपाल राइड पे, हम तीनों। सिर्फ एक दिन के अंदर प्रोग्राम बना है, सिर्फ एक दिन के अंदर। देखना मेट्रो ऊपर से जा रही है, नीचे पुल जा रहा है, उसके नीचे रोड है, क्या जबरदस्त नजारे हैं भाई साहब दिल्ली के बढ़िया है। तो एक दिन के अंदर प्रोग्राम बना है। इन लोगों का छुट्टी का क्या था क्या नहीं पता नहीं, ये लोग बोल रहे थे भैया पता नहीं जून में छुट्टी मिलेगी, फर्स्ट वीक में नहीं मिलेगी, क्या है क्या नहीं है। तो मैंने कहा भाई देख लो पता कर लो, फिर कल बोलते हैं कि भैया कल निकले क्या, मैंने कहा कल, कहने लगे हाँ आपको क्या दिक्कत है, आपको किससे छुट्टी लेनी है। मैंने कहा छुट्टी नहीं लेनी, मगर तैयारी तो करनी होती है। कह रहे कल निकलते हैं भैया, हम लोग यहाँ छुट्टी डाल रहे हैं फिर। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे बस अपनी बाइक जो है रॉयल एनफील्ड पे चेक कराने दो और फिर कल निकलते हैं। तो कल मैंने चेक कराया, बाइक के अंदर कोई फॉल्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बाइक एक नंबर। तो मैंने कहा निकलते हैं चलो। तो ऐसे प्रोग्राम बन जाते हैं हमारे ऑन द स्पॉट यार। ये रहे दोनों प्राणी। कैसे हो नरेश? खुश रहो खुश रहो। और ठीक हो नरेश? बढ़िया सब आनंद। अरे मैं तो 5 बजे से तैयार बैठा हूँ भाई, हिसाब से पसीना हुआ है। हाँ हाँ, उसके बाद भी हम लोग भूल गया क्या ग्लव्स? अरे आप जल्दी बाजू में सामान ही छोड़ गया, ग्लव्स भूल है। एक्चुअली क्या था ना, टैंक बैग में रखा था। हाँ टैंक बैग छोड़ दिया, वो ग्लव्स भी नहीं रहे। निकलते
के टाइम पे ना भैया भी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, इनके बड़े वाले भाई साहब की। अच्छा, तो उसमें लग गए, थोड़ा सा लेट हो गए, तो शहर पर आए, बैठकर निकल गए। अच्छा, ब्लॉग कह रहे ब्लॉग कोई नहीं करेंगे और GoPro सब पे लगे हुए हैं, भाई वाह। आगे बंदे हैं वो भी बेचारे, GoPro लगा के ब्लॉग कोई नहीं करेगा, ब्लॉग कोई नहीं करेगा, GoPro सबके लगे हुए हैं। हाँ चलो चलो, हाँ चलो चलो, करो स्टार्ट करो, साथ में ही निकलते हैं। ये देखो ऐसे मस्ती मारने के लिए इन्होंने ना टॉप बॉक्स हटाकर ये टेल बैग लगाया है। नरेश आराम से पीछे से लेट लेट के जा रहे हैं, आराम से मस्त। पूरी हवा महल लगती है भाई साहब, BMW अपनी पैनियर्स लगा के पूरी हवा महल, कितनी चौड़ी बाइक लग रही है। अब प्रकाश तो उड़ाते हुए लेके जा रहे हैं जनाब, एक नंबर। अभी रुकना है यहाँ से सीधा सुखदेव के ढाबे पे, वहाँ से फिर दो लोग और ज्वाइन करेंगे हमें। नरेश फुल आनंद में कह रहा है भैया बहुत मस्त चल रही है यार बाइक, बहुत मस्त चल रही है, मजा आ रहा है फुल। मूरथल तो पहुंच गए भाई हम, अमरिक सुखदेव बोरा यही है वो लोग। कैसे हो अमित जी, ठीक हो? ये थोड़ी बर्फ गिरवाओ ना। हाँ यहीं पे, हाँ नहीं चलो, सबसे बढ़िया वो वाला जो हमारा टेबल के बराबर बाइक लगाते हैं ना, हाँ जहाँ पे हम रुके थे याद है, वैष्णो देवी जाते वक्त। तो ये हमारे सब्सक्राइबर अमित जी। अमित जी आप मुजफ्फरनगर से है ना? मुरादनगर से, मुरादनगर। इनका क्या नाम है? दिव्यांश। ठीक ठीक, तो देवांश के पास है Z900 और अमित जी के पास है होंडा की हाइनस 350। पानीपत आ गए 8:45 पर। देवांश की बाइक एवरेज थोड़ा कम देती है, तो उनका थोड़ा पेट्रोल का ऐसा पड़ेगा प्रॉब्लम, जहाँ हो सके वहाँ रिफिल करा लेना चाहिए, उनको करा भी लेंगे सही रहेगा। अभी 10 किलोमीटर बाद वो ढाबा आने वाला है जहाँ हम लोग फर्स्ट स्टे लेंगे, थोड़ा खाना वाना खा लेंगे। रात के 9:08 हो गए और घर से निकले हुए तो ऑलमोस्ट 3 घंटे से ऊपर हो गए, मगर बाइक चलाई है हमने सिर्फ 2 घंटे, 1 घंटा ब्रेक लिया है, सही है। नॉर्थ ईस्ट की राइड के बाद यार मैंने सोचा था कुछ दिन ब्रेक लेंगे, उसके बाद आराम से फिर निकल जाएंगे लद्दाख के लिए, मतलब एक चाइना के बॉर्डर से दूसरे चाइना के बॉर्डर पे, तो इतनी जल्दी जल्दी राइड हो रही है ना, एकदम गजब। मगर नॉर्थ ईस्ट की तो भाई साहब आते वक्त जो वाट लगी है ना इस बाइक की वजह से, बहुत बुरा हाल था यार, सच में बहुत बुरा हाल था। अब भगवान की इतनी कृपा रहे कि यहाँ से लौटते वक्त ऐसा कुछ भी ना हो, सब अच्छा अच्छा हो, इसलिए हम अच्छा अच्छा बोलेंगे तो सब अच्छा अच्छा होगा भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक गए यहाँ पर, ये कौन सी जगह है? करनाल। करनाल के अंदर मयूर ढाबा है, इन लोगों ने अपने लिए मंगाए 4 पराठे। तो ये है बाइक अमित जी की होंडा हाइनेस, मैंने सोचा दिखा दूं सबकी बाइक ना। अमित जी ने सेम जेल सीट लिया हुआ है जैसा मेरे पास है, बिल्कुल सेम है। इन्होंने नीचे ऐसे करके बांध भी रखा है, अच्छा है यार, मैंने बांधा हुआ नहीं है। और ये है अपनी सुपर मिटियोर 650 और ये देवांश की Z900, इन्होंने एरो का सिस्टम लगा रखा भाई साहब, बड़ा शोर करता है ये, बहुत शोर। और ये अपनी BMW ब्रिटेन GS। तो ये है अपनी बाइकों का लाइनअप। चलो यार निकलते हैं, ब्रेक हो गया पूरा, चाय खाना वाना सब हो गया, अब पूरा 150-200 किलोमीटर बाद रुकेंगे, ठीक है? जब भी थकान लगेगी रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जिसको अनकंफर्टेबल लगे रुक जाएंगे, जहाँ रुकते हैं अच्छा खासा ब्रेक ले लेते हैं। यार ढाबा तो ये भी अच्छा लग रहा था, झिलमिल ढाबा, मगर बहुत ज्यादा भीड़ है, इतने रश में तो रुकने का दिल नहीं कर। सुबह 12:22 पहुंचने का टाइम हो गया है श्रीनगर। अरे बाप रे इनकी बाइक भाई साहब, एग्जॉस्ट जो है खतरनाक है, बहुत खतरनाक आवाज करता है इनका एग्जॉस्ट, एकदम करके। पंजाब में दिक्कत ना हो जाए, पंजाब में बताते हैं कि ना साइलेंसर वगैरह पे वहाँ पे चलान है। पंजाब तो हम रात में ही एंटर कर जाएंगे और रात में निकल भी जाएंगे, तो कोई ऐसी खासा प्रॉब्लम होगी नहीं। वैसे तो हमेशा यार रास्ता बिल्कुल सीधा ही दिखाता है ये NH44 वाला, मगर वो किसान आंदोलन की वजह से कुछ परेशानियां आ गए, तो ये अभी अंबाला के लिए बोल रहे हैं हमें, अंबाला चंडीगढ़ वाले रास्ते से, तो अभी यहीं से मुड़ रहे हैं क्योंकि दिखा तो रहा है। हालांकि वापस तो हम उसी हाईवे पे आ जाएंगे, मगर अभी यहाँ से घूम के जाने के लिए कह रहा है, ताकि वो जो बंद कर रखा हो ना रास्ता, वहाँ दिक्कत ना हो। देवांश ने अपनी बाइक के अंदर अब डी वो लगा लिया है, DB किलर, तो अब बिल्कुल भी साउंड नहीं कर रही बाइक, मतलब पता भी नहीं चल रहा है कि बाइक चल रही है आगे। नरेश कह रहे शुक्र है भगवान का, अब थोड़ा कानों को शांति मिलेगी। साउंड लगता तो जबरदस्त है, मगर बहुत शोर हो जाता है यार, बहुत शोर। कहाँ जंगल जंगलों में से लेके जा रहा है भाई साहब, वो तो शुक्र है हम 3-4 लोग हैं, इसलिए इतना कोई दिक्कत नहीं हो रही, वरना अकेले होते तो भगवान कसम वाट लग जाती, पूरा जंगल है दोनों तरफ।
तरफ खेत ही खेत है, बस ये है कि हाँ थोड़ा चलता हुआ रोड है। प्लान तो ऐसा है कि सुबह सब बोल रहे हैं कि श्रीनगर ही रुकेंगे सीधा। अब श्रीनगर अभी पहले था 10 बजे पहुंचने का टाइम, फिर 11 बज गए, फिर 12, और अब 1:30 बजे दोपहर को दिखा रहे हैं कि हम श्रीनगर पहुंचेंगे, मगर ये 1:30 बजे पहुंचेंगे नहीं भाई साहब, हम पहुंचेंगे शाम को 5-6 बजे के आसपास, सीधा यहां से श्रीनगर निकलते हैं। तो मगर अभी रात भर के जगे हुए, जब सुबह सुबह धूप पड़ेगी ना और सबके तोते कुत्ते फेल होंगे, नींद आने लगेगी सबको, तब पता चलेगा कि श्रीनगर रुकना है या उधमपुर। अभी तो सब श्रीनगर कर रहे हैं कि चलते हैं सीधा श्रीनगर ही। अब देखो मुझे तो सुबह रात भर तो नींद नहीं आती, मुझे रात को परेशानी नहीं होती, मगर जो सुबह सुबह धूप पड़ती है ना उससे बस आंखों में कुछ होने लग जाता है। तो देखते हैं अगर चलेगा तो ठीक। अरे बाप रे, नींद गाय आ गई, कितने एकदम से 3-3 गाय आ गई, शुक्र है परमात्मा का बच गई है उस ट्रक से, कोई सी भी नहीं दिख रही थी यार दूर से, इनके कुछ लगाना चाहिए यार। रात को ये गाय ऐसी रोडों पे चल जाती हैं, कोई स्टिकर विस्टिकर लगाओ जिससे कि दूर से नजर आए कि भाई आगे कोई जीप चल रहा है। चलें अमित जी मैकडी पे कुछ खाया पिया जाए, कॉफी वॉफी आ रहे हैं रास्ते में ही है। भाई साहब मुझे DSLR ने निकालने दिया, इन लोगों ने मना कर दिया, अरे भैया थोड़ी देर के लिए तो बैठ रहे हैं, क्या निकालोगे मोबाइल से ब्लॉक कर लो, और सब खा पी के निपटा दिया हम लोगों ने और ब्लॉक नहीं किया कुछ भी। खाना आया और खत्म। एक एक बर्गर और क्या था ये मैक पफ और कोल्ड कॉफी, अच्छी थी, टेस्टी थी ना। आपने पहली बार खाया है? पहली बार। मजा आ गया? निकले नरेश, अब थोड़ी देर बाद धूप निकलेगी, सबकी वाट लगेगी, अब कॉफी वॉफी बंद और गन्ने के जूस शुरू होंगे थोड़ी देर में, बता रहे हैं। हाँ ये कर लो पहले। दिन निकल आया है भाई साहब, दिन निकल आया है, सूर्य देव वहां से निकलेंगे थोड़ी देर बाद और वाट लगनी शुरू हो जाएगी हम लोगों की और गर्मी लगेगी खतरनाक। चलें रेडी तैयार पठानकोट के लिए, यहां से होना है हमें लेफ्ट, ऊपर जाएंगे तो सीधा चले जाएंगे अमृतसर वगैरह, यहां से लेफ्ट और लेफ्ट होके नीचे फ्लाई ओवर के नीचे से राइट। सुबह तो होनी स्टार्ट हो गई यार, मगर इस रोड पे बड़ी प्यारी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, कसम से एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही है, दिल सा खुश हो गया ऐसी ठंडी हवा के साथ। ओ देखो सूर्य देव निकलने शुरू हो गए बाहर, पठानकोट 36, जम्मू 146 और श्रीनगर 445। जिंदगी के आनंद तो हम ले रहे हैं भैया, सही बता रहे हैं यार, कुछ दिन पहले नॉर्थ ईस्ट राइड पे, अब हम लद्दाख राइड पे, फिर किसी और राइड पे, फिर किसी और राइड पे, घूमे चले जा रहे हैं, बस सही है, बहुत बढ़िया। यहाँ रुके हैं भाई काके दी हट्टी, और बाइकों का लाइनअप देखो, यहाँ पर सारी एक से एक महंगी महंगी बाइक्स खड़ी हुई हैं, और ये देखो इन बाइक्स पे घूमने वाले बंदों को, ये नरेश को देखना कहाँ बैठ के ब्रश कर रहे हैं, इनको ब्रश करने की कोई जगह नहीं मिली। यहाँ क्यों बैठे हो भाई? छाया पेड़ की छाया आ रही है, इधर से रोड आ रहा है, उधर से भी रोड आ रहा है बंद। अबे पागल हो गया नरेश, वहां आ जाओ पागल, उधर आ जाओ ना, उधर दीवार के उधर, धूप हो गई, धूप हो रही है यहाँ इतनी जोरों से, आ जाओ उठ जाओ। महाराजा गुलाब सिंह सत्यमेव जयते, वही वाह। तो यहाँ से ऑफिशियली हम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर घुस गए भाई साहब इस रास्ते से तो मुड़ गए हम, मगर ये रास्ता टोटल अंडर कंस्ट्रक्शन है और पूरा रास्ता बन रहा है अभी, यहाँ धूल मिट्टी कंकड़ सारा यही हो रहा है, कुछ सालों बाद ये रास्ता थोड़ा ठीक हो जाएगा, अभी तो पहाड़ काट के तोड़ के रास्ते बनाए जा रहे हैं, अभी तो लद्दाख पहुंचे भी नहीं यार, लद्दाख की प्रैक्टिस यहीं से शुरू हो गई क्या हमारी? बताल 33 किलोमीटर, उधमपुर 66, श्रीनगर 213, फिर आ गई ऐसी रोड। अबे यार थोड़ी सी देर का ही स्वाद था क्या, बस अभी ऐसे ही चलेगा लग रहा है, खराब सही ऐसे ही बुरा हाल है। उस रोड के बाद फिर ऐसा रोड आ गया यार मजेदार एकदम झगास, अभी बिल्कुल फ्रेश रोड बनाया हुआ है, ऐसा ही रोड रहा यार, उस थोड़ी सी रोड ने ना 2-3 किलोमीटर ने पूरा हाल कर दिया, पूरा वाइट कर दिया, पूरा बाइक वाइट, सारे राइडिंग गियर्स वाइट। राजस्थान वाले हाँ ब्रेकर्स पे भी कुदा रहे हैं,
ये राइडर्स होते हैं, ऐसे राइडर्स को देख के तो लोग गालियां बकते हैं फिर गंदी। ये राइडर होता है, राइडर का मतलब होता है जिम्मेदारी के साथ घर से निकलना और घर वापस जाना। ऐसे बदतमीजी करते हैं इन्हीं को तो फिर गालियां बकते हैं लोग। भाई 8-8 इंच दम पूरी है बाइक की, पेट्रोल भरवा लेते हैं यार, पेट्रोल हो रहा है मेरी बाइक में तो खत्म। ऑटो कट कर दीजिए। 108 रुपए का पेट्रोल आ गया, यहाँ पे भी रेट वही है 96 रुपीज 42 पैसा। सो भैया देख लो हालत कैसी हो रही है गठबंधन के अंदर, अभी से वो हो गया है क्या बोलते हैं उसको, विरोध के वो बज रहे हैं। हो गया ये सफर साथ में होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये गठबंधन आज ही टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बंदे तो गहरी नींद में जा चुके हैं, एक अपनी तैयारी कर रहे हैं भैया मैं तो बिना चाय के उठूंगा नहीं 2 घंटे तक। यहाँ देखो ऑलमोस्ट आधी कमर लेट चुकी है, बस किसी भी वक्त बस कुर्सी पीछे हुई और 200 रुपए दे के 2 घंटा सोने की उम्मीद है इनकी। खाट पे खाट उस वाली खाट पे, वो जो खाट है ना वहाँ पे, उस पे कह रहे हैं ये 100 रुपए घंटे के हिसाब से मुझे 2 घंटे सोने के लिए देते हैं, 2 घंटे सो जाऊंगा। और ये सब जादू हुआ है खाना खाने के बाद, खाना दिखाया नहीं यार, आप बस सौंफ और चीनी से काम चला लो, सारा खाना निपटा दिया। तो भूख ऐसी लग रही थी कि आया और निपटा दिया सब, निपटा उसके बाद सारे खुद निपट गए। सो 3:29 हो गए यार, कल गए खाना खा के बाहर, काफी देर लंबा ब्रेक हो गया ये, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे लगभग ब्रेक हो गया ये वाला। धूप इतनी जोरों से हो रही थी, हालांकि धूप तो अभी भी कम नहीं है, बहुत तेज हो रही है अभी भी, मगर सच में थक गए थे यार। थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, थोड़ी देर बॉडी को रेस्ट मिल गया, खाना वाना खा लिया बढ़िया से, गप्पे सप्पे लड़ा ली। धूप ने ना सच में काम खराब कर रखा यार, गर्मी और पसीना आए वो तो ठीक है कोई बात नहीं, गर्मी लगेगी थोड़ी बहुत, मगर धूप जो है ना वो शरीर को अंदर से एकदम जला रही है, बॉडी इतनी जल्दी डिहाइड्रेट हो रही है, लगातार पानी पीते रहना पड़ रहा है अभी। सच में यार दिन में राइड करने लायक वक्त नहीं है सच में, सिर्फ इतना है कि आप शाम को जल्दी स्टार्ट कर दो और रात भर करके सुबह खत्म कर दो, अभी ये वाला काम तो चल सकता है, धूप में जलाने वाला काम नहीं चल सकता। कि आप अर्ली मॉर्निंग भी जल्दी उठ के अगर आप निकल जाओ ना कि यार चलो सुबह जल्दी उठ के और शाम को 6 बजे तक खत्म कर देंगे, तो दिन का ये जो टाइम है ना दोपहर 12 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक का, भाई साहब इन 4 से 5 घंटे में बड़ा जीना मरना हो रहा है, बहुत जीना मरना, खड़े खड़े भी पसीने छूट रहे हैं। शाबाश, फुल ऑन येलो येलो है भाई साहब, यहाँ तो काफी लंबी टनल है, ये लगभग 9 किलोमीटर लंबी टनल है, जितनी मनाली वाली है ना उतनी ही लंबी टनल है। अबे भाई पागल है क्या ये, टनल के अंदर मेरी बाइक के एग्जॉस्ट का साउंड इतना बेसी आ रहा है ना, इतना खतरनाक घूम हो रहा है, बहुत जबरदस्त। टनल में से निकलने के बाद ये मौसम है सामने, तो इधर तो धूप नहीं पड़ रही है मगर कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ, तो गंदे वाला रोड खराब है भाई साहब, कंधे वाला देख रहे हो, ओहो धूल के बादल, कंधे वाली हालत हुई पड़ी है यार यहाँ तो, कीचड़ रोड खराब स्लोप सब कुछ है एक साथ। समय अपने आप को दोहरा रहा है यार, लास्ट ईयर भी मैं इसी जगह पर ऐसे ही ट्रैफिक में चल रहा था और ये रोड ऐसे ही बन रहा था, उधर से इतना ही जबरदस्त ट्रैफिक था और यहाँ तक बुरी ट्रैफिक लगा हुआ था और मेरा पैर गलती से बिल्कुल यहाँ कोने पे आ गया था, बिकॉज यहाँ ट्रैफिक था और हम बाइक निकाल रहे थे ऊपर से, और मैंने पैर के नीचे देखा तो बस जमीन, आधा पैर जमीन में था और आधा लटक रहा था, नहीं तो मैं सीधा इस नदी में होता नीचे, देख रहे हो कम से कम भी तो 100-150 फुट नीचे है ये नदी। 1 साल हो गया इस रोड में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई भी परिवर्तन, एज इट इज सब कुछ वैसा का वैसा ही है, अब ये कम से कम 5-10 किलोमीटर तक सारा रास्ता ऐसा ही है। टनल तो इतनी सारी बना दी है, एक के बाद एक टनल, एक के बाद एक टनल बस आती जा रही है, छोटी बड़ी, ये सारी पिछले साल तक बन रही थी मगर इस साल बन के तैयार हो चुकी है, और वो जो रास्ता था ना खुदा हुआ वहाँ पर, वो मुश्किल से होगा 500 मीटर का, यानी कि आधा किलोमीटर का होगा बस, उसके बाद से तो रोड एकदम फर्स्ट क्लास है, एकदम अल्टीमेट, कोई दिक्कत नहीं। और ये टनल से तो रास्ता इतना छोटा हो गया है सच में, क्योंकि जहाँ ये टनल जाके मिला रहा है ना उन रास्तों पे जाने के लिए बड़ा घूम घूम के जाता था रोड। जबरदस्त जाम हो रहा है भाई साहब, जबरदस्त जाम, ये है भाई जाम का कारण, इनकी वजह से हुआ पड़ा है पूरे रोड पे जाम। अरे बाप रे, ये तो वहां तक है, ये कैसे जाम खुलेगा, ये तो पूरे रोड पे ले जाएंगे इन्हें। क्या नज़ारे यार, नज़ारे देखो सामने,
क्या बात है भाई साहब, ओहो खूबसूरत पहाड़ ऐसे लगे हुए लाइन से 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ तो हवा भी ठंडी हो गई है यार। भेड़ों ने ऐसा जाम लगाया भाई साहब, सबकी वाट लगा दी, कम से कम भी तो 500 गाड़ियाँ जिसमें ट्रक गाड़ियाँ सब लाइन से लगवा दी दोनों तरफ, 500 इधर और 500 उधर, बुरा हाल करके रख दिया एक भेड़ वाले ने देख लो। सो वैसे तो यहाँ से श्रीनगर करीबन 50 किलोमीटर के आसपास है, 40 से 50 किलोमीटर दूर है अभी, मगर यहाँ एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम श्रीनगर में एंटर कर गए हैं, कश्मीर में तो एंटर कर ही गए। तो यहाँ की वादियाँ देख रहे हो, बिल्कुल एकदम पूरा सीनरी बदल गई है, घर इतने प्यारे प्यारे बने हुए हैं ना यहाँ पर, बहुत ही सुंदर। रोड तो एक नंबर है, ये रोड आगे जाके इतना चौड़ा हो जाता है ना, ये दो रोड मिलाकर एक रोड है, इतना चौड़ा रोड हो जाता है। अभी निकल ही रहे थे श्रीनगर पहुंचने के लिए, थोड़ी सी देर बस, यहाँ से 65 किलोमीटर बचा था और यहाँ हो गई बारिश शुरू। बादल देख रहे हो कितने खतरनाक काले हो रहे हैं, और ओले पड़ने लगे थे ओले गिरने शुरू लगे थे, ये देखो ये वाइट वाइट, और ठंडा हो गया मौसम जबरदस्त वाला। बारिश बंद हो गई है, अब निकलने की तैयारी हो रही है, है? अल्टीमेट, दूर से बस जैकेट ही जैकेट नजर आ रही है, समझदार हो बताने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे सैडल बैग्स पे तो यार हमेशा रेन गियर लगे रहते हैं, मैं रेन गियर कभी भी हटाता ही नहीं उस पे से, रेन कवर इन लोगों ने लगा नहीं रखे थे अपने बैग पे, तो पूरा बैग खोला उसमें से रेन गियर वगैरह रेन कवर वगैरह निकाले और रेन कवर वगैरह लगाए, यहाँ बड़ी मुश्किल से पूरी बाइक की सेटिंग खराब हुई पड़ी है लगेज की वजह से, कुछ भी चीज सेटिंग से नहीं कर रखी इन लोगों ने, पूरा काम खराब कर रखा है। ओहो ऊपर मौसम देखना भाई साहब, भालू चीते सब बने हुए बादलों के अंदर, 7:50, 8 बज गए, अभी भी अंधेरा होने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पर। बारिश वाली जगह पर से निकलने के बाद थोड़ा सा ही आगे हम आए थे, उस जगह का नाम था मीर बाजार, और वहाँ से दो काम अपने बहुत बढ़िया हो गए फर्स्ट क्लास। एक तो मैंने नया सिम ले लिया एयरटेल का, जिसमें मुझे 1.5 GB डाटा डेली मिलेगा और 5 GB मिलेगा अनलिमिटेड 5G। और यार अभी तक ना घर से लेके यहाँ तक मेरी बाइक में पेट्रोल लगा है अभी तक टोटल, मतलब ये भरा हुआ है आधा, अभी तक टोटल लगा है 3000 का, जिसमें 3000 में ये आई नहीं है, आधा टंकी है अभी तो, इसकी टैंक जो होता है वो होता है करीबन 15.9 यानी कि 16 लीटर के आसपास, तो अभी 8 लीटर पेट्रोल है इसमें, तो मेरी बाइक में लगा है 3000 का, और अमित भाई की बाइक है हाईनेस 350, उनकी बाइक में लगा है 2700 रुपए का अभी तक, और उनके पास भी अभी इतना पेट्रोल बचा हुआ है। और सबसे ज्यादा पेट्रोल लगा है भाई साहब G900 में, अभी तक उसमें करीबन 5,500 या 6,000 रुपए का पेट्रोल आ चुका है, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि BMW में भी इससे ज्यादा तेल लग गया है। नरेश डलवा रहे हैं ना, असल में हो क्या रहा है कि हम चलाते हैं 90 से नीचे, उससे ऊपर चलाते ही नहीं है, और वो लोग 100 से ऊपर ही ऊपर चलाते हैं, वो उससे नीचे चलाते नहीं है, कभी कभी बाई चांस थोड़ी देर के लिए 90 के आसपास क्रॉस करते हैं, अदरवाइज तो 100 से ऊपर ही चल रही होती है, इस वजह से एवरेज नहीं देती। और G900 तो भाई देखो बाइक इतनी बड़ी है, इतना बड़ा इंजन है, तो 100% उसमें तो लगेगा ही लगेगा। रात के 10:21 पे आ गए हम डल लेक, देखो हालत क्या हो गई, आते ही अमित जी जिंदा क्या बोलूं, बोलना नहीं चाहिए, पड़ गए हैं बिल्कुल, बहुत हालत खराब थी यार सच में। और हालत खराब होने का कारण यह है कि ये एक दिन पहले सिर्फ 4 घंटे सो के हमारे साथ पिछले 27 घंटे से राइड कर रहे हैं। भाई साहब इतने सारे सपने सजो रखे ना, ये प्रकाश ने ना सबकी हालत टाइट कर दी है, एक वो कलम बना ली है कागज पे, और उसमें ना डे और किलोमीटर, किलोमीटर डन कर लिए गूगल से देखकर, और उसकी टाइमिंग डन कर लिए कि इतने बजे से इतने, अभी इन्होंने आगे के रास्ते देखे नहीं, इन्हें अभी पता नहीं है कि वहाँ क्या क्या घटता है, तो उस हिसाब से कर रखा है। बाकी आज की राइड भाई इतना खतरनाक, मतलब ऑलमोस्ट दोपहर को सबने तो नहीं कहूंगा, मैंने इन्होंने गिव अप कर दिया था कि बस छोड़ो यार अभी होटल लेते हैं और यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि नींद आने लगी थी बहुत ज्यादा, और नरेश बाबू को भी नींद आ रही थी, मगर ये बताएंगे नहीं कि इनको नींद आ रही थी, नहीं मैंने बताया, नहीं नहीं ये बस बाइक पे झटके मार रहे थे, बाइक पे ना बोल रहा तो भाई नींद आ रही है, भाई नींद आ रही है, अगर हाँ 2 किलोमीटर और खींचता हूँ फिर रुकता हूँ करते करते याद है। और भाई साहब ये लाइफ में पहली बार में दिल्ली से श्रीनगर, ऐसी राइड करनी भी चाहिए ना, तभी तो टैलेंट निकलेगा बाहर इसका।
मेरे को टैलेंट की जगह दम बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है बंदे का। टैलेंट निकले ना निकले। अभी बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, बाइकर्स भी इतने ज्यादा नहीं है। हमें पूरी राइड पर, पूरी राइड पे दिल्ली से लेके यहाँ तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 20 राइडर्स मिले हैं जो लेकर। तो अभी रात के 11:30 बज गए। अब जिस तरह से ये बेहोश हो गए, हम भी बेहोश होने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस ब्लॉग को बस यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर ये ब्लॉग यहाँ तक देख लिया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल, बाय। ये जरूर वो नहीं, और वो क्या था, कल खूब मस्ती करेंगे, ठीक है ना।